हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नए साल की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। आज मैं अपने गार्डन में कुछ नए पौधे सर्दियों के लेके आई थी, तो आपको दिखाती हूँ कौन कौन सा लिया है। ये मैंने डेलिया का पौधा लिया है, पेंजी का लिया है, स्नेक प्लांट लिया है। ये स्नेक प्लांट की वैरायटी मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये भी लिया है। अब मैं इनको किस तरह से रिपोर्टिंग करती हूँ वो भी आपको बताती हूँ। ये मेरा क्लेंचो है, इसकी मिट्टी मैंने पहले से ही तैयार करके रखी हुई है। उसमें मेरे गार्डन की सॉइल है और सरसों खली मैंने इसमें मिलाई है, थोड़ी राख मिलाई है, थोड़ी हल्दी मिलाई है। ये सब मिला करके मैं पहले से तैयार करके रखती हूँ। चाय पत्ती हो गई और मेरी खुद की कंपोस्ट बनाई हुई, ये सब मैंने मिक्स करके रखा है। और किस तरह से रिपोर्ट करती हूँ, हमारे गमले में होल अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि जितना अच्छे से इनका ड्रेनेज सिस्टम होगा तो पौधे हमारे कभी ख़राब नहीं होते। नीचे मैंने कुछ ईंट के टुकड़े डाल दिए हैं और गार्डन की सूखी पत्तियाँ जितनी होती है वो मैं इसके अंदर ही डाल देती हूँ नीचे डाल के। अब ये पौधा मैंने इसको मिट्टी नहीं हटाई क्योंकि इसकी मिट्टी अच्छी है और गीली भी थी, थोड़ा रेतीली मिट्टी है, तो मैंने इसलिए नहीं हटाई। सर्दियों के पौधों की जड़ें बहुत ही नाजुक होती है, इसलिए उनको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और रखिए, फिर मैंने इसको पॉट में अपनी बनाई हुई मिट्टी से इसको कवर कर दिया। मिट्टी हमारी अच्छी होगी तो हमारे पौधे कभी ख़राब नहीं होते हैं। हमारा पौधों का मैंने शुरू में ही इसमें सभी कुछ डाल दिया है जो हमारे पौधों को ज़रूरत होती है। अब मैं इनमें कभी खाद वगैरह नहीं देती हूँ, मैं खाली लिक्विड फर्टिलाइजर ही देती हूँ। केले के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, पानी में भिगो के उसी को लिक्विड का इसमें देती हूँ। और बायो एंजाइम भी मैंने बनाया है तो उसको मैं पानी में डाल के इनके पत्तों पे स्प्रे करती रहती हूँ। वो भी हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, सभी पौधों पे हम उसको कर सकते हैं। सर्दियों में इतने सुंदर सुंदर फ्लावर वाले पौधे आते हैं कि देखने के बाद मन करता है सभी लगा लें, लेकिन ये सीजन में ही चलते हैं और फिर ये सूख जाते हैं। इनको हमको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, ये अगले साल फिर इस तरह से अपने आप ग्रो कर जाते हैं। तो देखिए आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्लावर वाले पौधे देख के सभी को अच्छा लगता है अपने गार्डन में, और सर्दियों में बहुत तरह के इस तरह के पौधे आते हैं तो देख के रहा ही नहीं जाता। नए साल के नए मेहमान हमारे गार्डन में आए हैं, कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।